नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं। इस बीच प्रशासनिक अफसरों के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण या उनकी लापरवाही के कारण बहुत सारे ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिनके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घर जाने में उनको डाइवर्ट किया जा रहा है या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो लोगों के क्या अनुभव रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले रघुराज जी हैं। रघुराज जी से पूछेंगे कहाँ से कहाँ उनका आगमन हुआ, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। जी आप बताएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी तशरीफ ला रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से झांसी के सारे रूट डाइवर्ट कर दिए। परसों हम इलाइट गए और इलाइट से कचहरी तक आने में हमें 1.25 घंटे का समय लगा। ट्रैफिक रुका हुआ था, फिर हम गलियों से निकले, पुलियों से, ये सब करते हुए 1.25 घंटे का समय निकला। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झांसी आ रहे हैं या कुछ और लफड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 47 से पहले ना तो कभी इस तरह से प्रधानमंत्री आए और हमें लगता ना कभी भविष्य में इस तरह से प्रधानमंत्री आएंगे। अरे प्रधानमंत्री हैं, झांसी की जनता भी उनका स्वागत करना चाहती है, झांसी की जनता भी उनका सम्मान करना चाहती है। लेकिन आपने झांसी की जनता के मन में इतना खौफ पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया कि वो घर से निकलने में परेशानी उसको हो रही। मतलब स्थितियाँ ये हैं कि अगर हमारी प्रेग्नेंट महिला एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल जा रही है तो उसकी एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा पा रही, उसको बेचारी को बल्लियाँ पार करके पैदल जाना पड़ रहा। अगर इस तरह से कोई ट्रेजडी हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हम खुद व्यक्तिगत भुक्तभोगी हैं। 1.25 घंटे में कचहरी आने में हमें 1.25 घंटा लगा इलाइट से। तो इस तरह से शासन प्रशासन प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्हें पूछेंगे क्या तकलीफें उन्हें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? रशीद भाई नाम है मेरा जी। रशीद। रशीद जी, ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, संतुष्ट हैं आप? नहीं है साहब, संतुष्ट। क्या दिक्कतें हो रही? कल स्कूल के बच्चों की गाड़ी फंसी रही साहब, पूरा झांसी जाम कर दिया, कहीं से निकलने नहीं दे रहे। ये तो ये कोशिश कर रहे हैं, घर से निकले ही नहीं आदमी। तो आप प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। हाँ। लेकिन समस्याएं हैं आज, किसानों की समस्याएं हैं। किसान बेचारे एक साल से बैठे इधर, हम लोग खुद देखने वाले से चौराहे पर रह रहे हैं, एक साल हो गए धरना दिए बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तानाशाही सरकार चल रही मोदी जी की। जैसे आप घर से निकल के किस किस रूट पे गए जहां आपको सामना? मैं कचहरी गया, कचहरी तो है नहीं कुछ अभी इधर। यहां से आप जेल चौराहे जाएं, एलाइट चौराहे जाएं, बस स्टैंड जाएं, पूरा जाम कर रखा है। जहाँ से में एक ही रूट है मेन, बस स्टैंड एलाइट से लेके बस स्टैंड वाला रोड, जेल चौराहे वाला, कचहरी रोड, ये एक ही रूट है पूरा झांसी में, इसी को बंद कर दिया है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा नाम है हमारा। मुकेश जी, जो ट्रैफिक की इस समय 2-3 दिन में किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, ये तो झांसी वासी झेलते चले आ रहे हैं ट्रैफिक की समस्या। मगर हमारे झांसी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर पधार रहे हैं और हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। ये विकास ये देख रहे हैं, आप खुद चमक रहे होंगे, रोड से निकले होंगे। आज तक किसी सरकार ने नहीं कर पाया ये काम, सिर्फ बातें बनाती रहीं, योजनाएं कर दी, बजट नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया। आज हर किसान के खाते में भी पैसा पहुंच रहा है, सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। किसान ये नहीं कह सकते कि भाई किसान परेशान, कुछ किसान परेशान हैं, सारे ही नहीं हैं। सारे ही परेशान होते तो गेहूँ पैदा नहीं होता, कोई फसल पैदा नहीं होती, सारे भूखे मर जाते। ये हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। और भी लोग हैं जो झांसी के हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। विद्वान जी आप बताएं कि ट्रैफिक को लेके आपको क्या समस्या हो रही है? ट्रैफिक को लेके देखिए, हम लोगों का किसानों का आंदोलन चल रहा है कचहरी पर, और परसों कचहरी से मुझे घर जाना था खाना खाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल कम था, हमने ये सोचा कि लाइट पर हम पेट्रोल डलवा लें। तो यहाँ से हम जैसे ही पहुँचे तो जेल चौराहे पर वहाँ रोक दिया गया है। हमने कहा चलो हो सकता है कि जेल के बगल से एक रास्ता जाता है वहाँ से हो, तो वो भी रुका हुआ था। हमें वहाँ से लौटाए तो हम सदर गए, सदर से जब हम मानिक चौक की तरफ जा रहे थे तो हमें मानिक चौक की तरफ रोक मिनरवा पे रोक दिया गया। हम वहाँ से फिर भागे, जब तक हमारी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई। यकीन मानिए हमने 1.5 किलोमीटर तो मोटरसाइकिल घसीटी और मैं 2 घंटे में अपने घर पठौरिया पर पहुँच पाया, जो सिद्धेश्वर मंदिर के पास में है। हर गली पर, हर चौराहे पे बल्लियाँ लगी हुई हैं और इतनी फोर्स लगा दी गई है कि जैसे शायद हम लोगों को अब अपने आप पे उग्रवादी होने का भी एहसास होने लगा है। अब ऐसे में आदमी की तबीयत ख़राब हो जाए, आदमी को कहीं पेपर देने जाना हो, रिजर्वेशन हो, अब रिजर्वेशन के लिए अगर ट्रेन वहाँ जाना है, स्टेशन पे जाना है, तो बस स्टैंड से लोग पैदल जा रहे हैं वहाँ, उनके साथ सामान भी है, बच्चे भी हैं। देखिए प्रधानमंत्री
इतना डरे हुए क्यों हैं? हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना जो डर लगा हुआ है प्रधानमंत्री को, इतना नहीं डरना चाहिए। 56 इंच का सीना है उनका, लाल लाल आँखें हैं, उन्हें तो खुल के आना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अगर ऐसी प्रतिबंधित घरों में अगर हमें घुसेड़ दिया जाएगा तो ऐसे थोड़ी अच्छी बात नहीं है। हम लोग तो महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्मदिन खुल के नहीं मना पा रहे हैं, जैसे हर साल मनाते थे। तो हम लोगों से छीन कर आप यहाँ जो कर रहे हैं, ये कुल मिला के ठीक नहीं। और भी लोग हैं जिनसे पूछेंगे किस तरह की समस्या हो रही है, आप बताइए ट्रैफिक से क्या समस्या हो रही है जो डाइवर्ट किया गया। ट्रैफिक की समस्या हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी झांसी के आगमन पर जो हम लोगों को खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, वो खुशियाँ हम लोगों को नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? एक तो उनके आने से सारे ट्रैफिक जाम कर दिए। अच्छा ये बताएं हमें, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों से वोट लेना है या नहीं लेना है? क्या हम ही लोग वोटर हैं, हम ही लोगों को वोट देना है और हम ही लोग परेशान हो तो हम कैसे वोट देंगे? जब कोई प्रधानमंत्री देश का कहीं भी जाता है, झांसी नहीं, झांसी की जयंती पर ये हमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झांसी में के आगमन पर। लेकिन जो इतना ट्रैफिक, जो जनता परेशान है, क्या जनता परेशान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री झांसी में आ रहे हैं? अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने भी कहा कि झांसी की रौनक, और अभी एक महाशय जी ने कहा कि झांसी की जो सड़कें, हमें ठीक है मान लिया हमने झांसी की सड़कें अच्छी हुई, मगर ये बताओ देहात में क्या जनता नहीं रहती? देहातों में गड्ढे हैं, नाली सही नहीं है, कि देहातों में कितनी परेशानी, देहातों में जनता नहीं रहती क्या? क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या सिटी के हैं या शहर के हैं या महानगरों के हैं, देहातों के नहीं हैं? तो उन्हें देहातों की तरफ भी देखना चाहिए कि देहात में किसान कितना परेशान है। उनको खाद नहीं मिल रहा समय पे, बिजली नहीं मिल रही, और खाद के लिए जो लोग अपनी खेती को बखर जोत के तैयार करते हैं, समय पे उन्हें खाद नहीं मिलेगा तो वो क्या बोएंगे? उनकी जमीन जब सूख जाएगी क्या फिर बोएंगे जब मिलेगा खाद? तो ऐसे ऐसी परेशानी से हमें तो सही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री देश का भला कर पाएंगे। और जो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जो वादा किए थे, ना तो वो वादे पूरे हुए कि प्रत्येक किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ना तो वो आए, ना जो काला धन की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, ना वो देश का काला धन लौटा। तो ये थे झांसी के लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के कारण जिस तरह की व्यवस्था की गई उसको लेकर अपनी राय रखी। झांसी से मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा।